ये ड्रग क्या है, कब इस्तेमाल में आता है, कितनी आसानी से मिलता है और आखिर कितना खतरनाक है, इनमें से कुछ सवालों के जवाब के लिए हमने अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग एब्यूज से कुछ जानकारियां जुटाने की कोशिश की। दरअसल मेथामफेटामाइन एक बहुत ही पावरफुल और घातक नशीला पदार्थ है जो लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इसे क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है। इसकी लत बहुत जल्दी लगती है। मेथामफेटामाइन कांच के टुकड़े या चमकदार नीली सफ़ेद क्रिस्टल की तरह नज़र आता है। ये पानी या शराब में आसानी से घुल जाता है। सबसे पहले मेथामफेटामाइन को 20वीं सदी की शुरुआत में उसके पेरेंट ड्रग एम्फेटामिन से बनाया गया था और शुरू में इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया गया। एम्फेटामिन की तरह इसे लेने पर भी लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत बोलने लगते हैं, भूख लगना कम हो जाती है और इंसान को मज़ा आने लगता है। हालांकि कुछ चीज़ों में ये एम्फेटामिन से अलग भी है। इसका असर दिमाग पर ज़्यादा होता है जिससे इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है, असर ज़्यादा वक्त तक रहता है। हालांकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है, यही वजह है कि इसका मिसयूज़ बड़े स्तर पर होता है। केमिकल रूप से देखें तो ये एम्फेटामिन ड्रग की तरह ही है। इसका इस्तेमाल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD और नार्कोलेप्सी या नींद ना आने जैसी दिक्कतों के इलाज के लिए किया जाता है। मेथामफेटामाइन आपके दिमाग में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है। डोपामाइन दिमाग में बनने वाला एक केमिकल है जो अच्छा महसूस कराता है। जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। इसलिए लोगों को मेथामफेटामाइन की जल्दी आदत लग जाती है और वो खुद को एक्साइटेड और एनर्जेटिक रखने के लिए इसका यूज़ करने लगते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। अमेरिका में यूथ के बीच बढ़ता मेथामफेटामाइन का यूज़ एक बहुत बड़ी दिक्कत बन गया है। 2017 के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका की आबादी के 5.4% लोगों ने कम से कम एक बार ये ड्रग लिया है। वहीं ड्रग ओवरडोज से होने वाली मौतों में से लगभग 15% मौतें मेथामफेटामाइन की वजह से हुई हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ड्रग कंट्रोलर एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी साल 2016 में क्रिस्टल मेथामफेटामाइन के बढ़ते मिसयूज पर चिंता जताई थी। और लोग इसे लेते कैसे हैं? लोग मेथामफेटामाइन को सिगरेट में भरकर पीते हैं या गोली की तरह निगलकर नाक के रास्ते खींचकर इंजेक्ट करके या पानी में मिलाकर लेते हैं। इसका असर क्या होता है? मेथामफेटामाइन के इस्तेमाल से बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगती है, भूख कम लग सकती है, सांसें और दिल की धड़कनें तेज़ हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर और शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है, मति भ्रम होने लगता है, जैसे जो सच में नहीं है वैसी चीज़ें दिखने लगती हैं, वॉयलेंट बिहेवियर भी बढ़ सकता है। ये भी कहा जाता है कि ये यौन इच्छा को बढ़ाता है। मेथामफेटामाइन दिल के दौरे का मेन कारण तो नहीं हो सकता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने पर कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। लंबे समय तक ड्रग इंजेक्ट करने पर HIV और हेपेटाइटिस B और C का खतरा भी हो सकता है।